Okay, good morning, good afternoon, good evening, everybody. Now see, first जो chapter है उसमें से दो unit ratio and proportion separate किया है और ratio और proportion के जो भी past examination question since 2006 से लेके till today जितनी भी exam है सभी के questions यहाँ पे compile किए हुए हैं plus मॉक टेस्ट पेपर्स इंस्टीट्यूट ने जो भी मॉक टेस्ट पेपर्स लिए हैं वो भी इसमें कवर है. मतलब यहां पे आपने मॉड्यूल में जो भी एक्सरसाइज की है उससे हायर लेवल के क्वेश्चंस आने वाले हैं एंड दैट वी हैव कंपाइल्ड एंड मेक श्योर वंस यू डू दिस पर्टिकुलर सम्स दिस एमसीक्यूज ऑब्वियसली चांसेस ऑफ रिपीटेशन इज मच मोर इंक्रीज्ड फ्रॉम दिस टॉपिक फॉर श्योर. ओके चलिए तो रेशियो एंड प्रपोर्शन नो नीड टू गिव द यू कैन से रिकेप ऑफ द सेम बिकॉज ऑलरेडी वी हैव डन इट राइट. तो सीधा ही हम क्वेश्चन से शुरू करें. क्वेश्चन वन नवंबर 6 टू नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 2:3 एंड डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 320. नाउ यू कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर बाय यू कैन से अभी देखिए ये 2:3 में है ये भी 2:3 ये भी 2:3 तीनों 2:3 में है. रिवर्स ट्रिक पे जा रहे हैं हम कैसे कर रहे हैं रिवर्स ट्रिक पे. मैंने जब आपको मॉड्यूल में से क्वेश्चन कराए थे तब मैंने क्या किया था इन डेप्थ कैलकुलेशन किया था. अभी मैं मेरा कैलकुलेशन थोड़ा छोटा कर रहा हूं क्यों क्योंकि हमें कम से कम कैलकुलेशन में फटाफट से सम सॉल्व करना है. ओके तो अभी आप ट्राई करें कि ये सीधा ही रिवर्स ट्रिक से हो रहा है. यस तो वैसे ही करेंगे. यस वैसे तो ये तीनों नंबर 2:3 रेशियो में है. अभी क्या है डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर चलिए करते हैं 18 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर कैलसे पे फटाफट से करें कितना होगा 324. तो ये तो सही आंसर नहीं है. 24 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर डिफरेंस कैलसे पे फट से करना है 576 माइनस 256 कितना 320 करेक्ट आंसर बी. समझ में आया कैसे फटाफट करना है. ओके मैंने जब एक्सरसाइज सॉल्व करवाई थी आपको तो एक्सरसाइज में हम स्टेप बाय स्टेप धीरे 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 सॉल्यूशन किया था. अभी यहां पे क्या करना है जो भी रिवर्स ट्रिक है उसमें फटाफट सोल्व कर देना है. वैसे आपको डायरेक्ट वे पे जाना है वो भी पॉसिबल है वो भी पॉसिबल है राइट. तो यहां पे ये दोनों रेशियो में है मतलब 2x 3x और इन दोनों का जो स्क्वायर है 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वो क्या है 320. इज दैट क्लियर. तो यहां पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू सॉरी टू नंबर्स आर इन द रेशियो टू 2:3 इतना क्लियर है. इन दोनों का स्क्वायर सॉरी तो यहां पे क्या होगा इन दोनों का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर इन दोनों का डिफरेंस लेना है क्या होगा 9x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर तो 5x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 320 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 320 डिवाइडेड बाई 5 कितना होगा एक्स स्क्वायर 64 एक्स कितना होगा एक्स 8 हो जाएगा तो भी 28 डिवाइडेड बाई 38 नंबर 16/24 वैसे भी बी आ जाएगा. तो यार डायरेक्ट सॉल्व करें या रिवर्स ट्रिक. अभी देखिए डायरेक्ट सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगे रिवर्स ट्रिक फट से हो जाएगा. ट्राई दैट वे कि एक मिनट भी ना लगे क्वेश्चन सॉल्व. अब कुछ कुछ क्वेश्चन है जो जिसमें 2-3 मिनट भी लग सकती है राइट. बट विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट कि ज्यादातर क्वेश्चन आप विद इन 1 मिनट सॉल्व कर ले तो उसकी जो 10-10-15-15 सेकेंड्स जो बचती है वो हम बिगर क्वेश्चन में यूज कर पाएंगे और वैसे आप पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हो इवन इफ इट इज लेंथी. नेक्स्ट समझ में आ गया बी. ओके चलिए पी इज टू क्यू इज अ सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ पी माइनस एक्स स्क्वायर इज टू क्यू माइनस एक्स स्क्वायर देन एक्स स्क्वायर इज
ऐसा क्वेश्चन अब भी हमने सॉल्व किया था रेशियो के एक्सरसाइज में, ओपन अवर मॉड्यूल रेशियो के एक्सरसाइज, हाँ एक्सरसाइज 1A में क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 ये देखिए एक्सरसाइज में हमने सॉल्व किया था डिटेल में, इसका कैलकुलेशन यहां पे है P by Q, P is to Q is a sub duplicate, ये सेम क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन है हाँ, x square की वैल्यू क्या होगी, सेम क्वेश्चन है। तो यहां पे देखिए हमने पूरा सोल्व किया था और सोल्व करने के बाद x square की वैल्यू आई थी पी क्यू डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू, ओके दैट्स द आंसर। तो यहां पे चेक करें पी क्यू डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू, हाँ माइनस है नन, आंसर क्या आएगा नन, पी प्लस क्यू या माइनस क्यू है, क्यूपी ये क्यूपी हो या पी क्यू हो सेम ही है ना, मैं 4 इंटू 3 करूं या फिर 3 इंटू 4 करूं क्या फर्क पड़ेगा, ओके सो दैट इज सेम, इज दैट क्लियर। तो यहां पे आंसर क्या आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू या फिर क्यूपी डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू, रेफरेंस दे दू आपको कहां पे हमने सॉल्व किया था, ये एग्जाम्पल नंबर 20 रेशियो में हमने एक्सरसाइज पूरी की थी, देखिए मैंने आपको पूरा डिटेल में कैलकुलेट करवाया था, ओके 20। तो यहां पर रेफरेंस दे देता हूं मैं आपको एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन 20, ओके तो वहां पे आप एक बार देख लेना पूरा का पूरा सम हमने डिटेल में सॉल्व किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट थर्ड वन, An alloy is to contain copper and zinc in the ratio of 9:4. अभी देखिए alloy एक metal है, metal ठीक है, alloy alloy में क्या क्या contain है, copper and zinc, okay जिसका ratio है 9:4, okay अभी क्या बोला क्या, the zinc required to melt with 24 kg copper is, अगर आप 24 केजी कॉपर ले रहे हो तो फिर सॉरी ऊपर यहां पे, ऊपर यहां पे अगर आप 24 केजी कॉपर ले रहे हो तो उसके लिए जिंक कितना होगा, तो कैन आई से दैट इट्स लाइक दिस 9/4 इज इक्वल्स टू 24 बाय क्वेश्चन मार्क, हां तो यहां पे मैं एक्स कर दू अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले 9x इंटू 24 इंटू 4 तो x इज इक्वल्स टू 96/9 तो कितना होगा 10 6/9 मतलब 2/3 10 2/3 आंसर आएगा है, ऐसा कुछ आंसर है यस। या फिर आप कैलसीपे करो ना, कई बार क्या होता है ऐसे हम कैलसीपे करते हैं सर 10 2/3 आंसर नहीं आ रहा है, नो प्रॉब्लम 96 by 9 किया आपने कैलसीपे कितना आएगा 10.66667 इज इट, हाँ तो भी 2/3 कर दो 66667 तो वही आया 10.2/3 इज दैट क्लियर, तो वैसे भी मैच हो जाएगा ठीक क्लियर है। फोर्थ वन, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 7:8 इफ 3 एडेड टू ईच ऑफ देम रेशियो विल बी, अभी देखिए पहले तो 7:8 रेशियो में या तो आप रिवर्स ट्रिक से जा सकते हो 7:8 है 7:8 7:8 नहीं है, ये पहला ए चेक करते हैं 7:8 में है हा है ए जो है वो 7:8 में है यस, इफ 3 इज एडेड 14/16 +3 +3 तो ये होगा 17/19 तो रेशियो का 8:9 नहीं हो रहा है, ये तो 7:8 में है ही नहीं पहले ही गलत, ये 7:8 में है यस, अभी इसमें क्या करें 3 3 ऐड करें तो 24/27 सिंप्लीफाई दिस तो 8 3 9 3 8:9 यस यस सी इज द आंसर, ओके स्ट्रेट हो गया रिवर्स ट्रिक से।
अभी आप बोल रहे हो नहीं ऐसा नहीं, हमें तो डिटेल में सॉल्व करना ही करना है। ओके तो कीजिए डिटेल में सॉल्व। 7/8 है तो 7x/8x, उसमें हमें क्या करना है 3 प्लस करना है, 8/9 होगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है, फिर जो x की वैल्यू आती है उसको 7 और 8 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों इतना डिटेल में जा रहे हो, समझ रहे हो? जैसे मैंने एक्सरसाइज में मैं बहुत डेप्थ में जा रहा था, यहां पे पास्ट एग्जामिनेशन में मैं क्या कर रहा हूं, ट्राई कर रहा हूं कि शॉर्टकट से जल्दी कैसे हम सॉल्व कर पाए। ओके चलिए तो इसको क्रॉस वेरीफाई भी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। ओके वो भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। तो 9 7x+3 होल डिवाइडेड बाय इक्वल टू 8 8x+3, सिंप्लीफाई दिस 9 7 63x+27 64x+24 x x को एक जगह पे ले जाइए तो 3 इज इक्वल्स टू x हो जाएगा, 3 की जगह पे 7 × 3 21, 8 × 3 24, तो 21 and 24 इज द आंसर सी हो गया, x मिल गया। फिर x को आप वो नंबर पे पुट कर देते हैं 7x 8x। ये x क्यों अज्यूम किया, क्योंकि वो नंबर हमें पता नहीं है, सिर्फ नंबर का रेशियो पता है। जब आपको उस नंबर का रेशियो पता होगा तो लेट अस हैव वन वैल्यू जो दोनों में कॉमन है, ठीक है। इसको हम कंसिडर कर लेते हैं 7x और 8x, आंसर सी क्लियर। ओके हाँ ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। अ बॉक्स कंटेन रुपीज 56 इन अ फॉर्म ऑफ पॉइंट्स। अब देखिए हमारे पास 56 रुपए है, ठीक है, जिसमें 1 रुपी कॉइन है, 50 पैसे कॉइन है, 25 पैसे कॉइन है। नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, अभी समझना, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन इज डबल द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन एंड 4 times द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन, समझ रहे हो? अभी हम किसी को भी एक्स एज्यूम कर सकते हैं, इसको एज्यूम करें। ओके अभी देखिए जिसके बेसिस पे ये सब कुछ है उसको हम एक्स एज्यूम करते हैं। जैसा भी ऐसा जो भी क्वेश्चन आपको पूछे उसमें आपको 1 रुपी में एक्स एज्यूम कर लेना है। क्यों ऐसा बताता हूं मैं आपको, क्योंकि जो 1 रुपी है वो पूरा रुपी होता है। ओके 1 रुपी है वो पूरा रुपी होता है, सिंपल। और यहां पे अगर आप देखें 50 पैसे के कॉइन कितने हैं, 25 से डबल है, और 1 रुपी से 4 times है। अभी 1 रुपी को एक्स एज्यूम कर लोगे तो वो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। अभी यहां पे देखिए ये 1 रुपी कॉइन है, ये 50 पैसे कॉइन है और ये 25 पैसे कॉइन है। ओके तो ये क्या हो जाएगा, अभी फिलहाल के लिए हम 1 रुपी को एक्स एज्यूम करते हैं। 1 रुपी को एक्स एज्यूम किया तो 50 पैसे कॉइन 1 रुपी का कितना टाइम्स है, मतलब अगर 1 रुपी का 5 coins हुआ तो 50 पैसे के कितने कॉइन्स हो गए, 4 times 20 coins। ओके तो कैन आई से दैट 4x है। अभी देखिए इस क्या बोला, 50 पैसे के डबल है 25, मतलब 25 से डबल है, मतलब ये जो है इससे 4 times है और इससे डबल है, ऐसा बताया। तो इससे डबल मतलब इसका आधा कर दूं मैं 2x, पहले इतना समझ में आया, मतलब इन तीनों का रेशियो क्या है पता है, 1:4:2 नंबर वाइज देखे तो 1:4:2, इतना क्लियर है। ये क्वेश्चन में दिया ऐसे हमने किया बराबर। अभी अगर मैं अभी यहां पे देखें, अगर मैं इसको प्लस कर दूं तो क्या मैं 56 रुपीज ऐसा बोल सकता हूं, हाँ भी और ना भी, क्यों? 1 रुपी के अभी देखिए 50 पैसे के जितने कॉइन्स हैं क्या उससे 1 रुपी होगा, नहीं होगा। ये आप समझिए, यहां पे लॉजिक ये समझिए, 56 रुपीज है
और ये जो है वो नंबर्स है, ये नंबर्स है, ये आपने जो रेशियो निकाला वो किसका निकाला, नंबर ऑफ। इसमें डायरेक्टली आप प्लस नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, ये जो है वो नंबर्स है, मतलब वन रुपी का वन कॉइन तो वन रुपी, 50 पैसे के चार कॉइन तो 2 रुपीस होगा ना, 50 पैसे के चार कॉइन ओके, और 25 पैसे के 2 कॉइन्स, तो ये नंबर ऑफ कॉइन्स हुए। रुपी चाहिए, रुपी, रुपी कैसे मिलेगा, ये तो नंबर हुए, इन तीनों का टोटल 56 होगा। चलिए एक काम करते हैं, अगर मैं यहां पे प्लस प्लस कर दूं तो एक्स की वैल्यू मुझे मिल सकती है, ओके ये गलत कर रहा हूं मैं, बट आपको प्रूव करने के लिए कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है, टोटल कीजिए 7x, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 56 डिवाइडेड बाय 7 कीजिए, 8 बराबर, एक्स की वैल्यू कितनी, 8, तो 8 वन रुपी की कॉइन, 8 इंटू 4 32, 50 पैसे के कॉइन, और 16 25 पैसे के कॉइन। अभी हिसाब लगाओ 56 रुपीज हुआ, चेक करो 8 रुपीज के कॉइन मतलब रुपी 8, 32 मतलब रुपी 16, ओके 16 मतलब रुपी 4, कितना हुआ टोटल, सॉरी 28 रुपीस नहीं हुए। अभी आप क्या बोलोगे, 50 रुपीस के 32 कॉइन्स है, बी सिलेक्ट कर दीजिए, ये गलत होगा, ये गलत होगा, क्यों ऐसा गलत होगा समझाता हूं मैं आपको, क्यों गलत होगा, क्योंकि रुपी वन ये जो है वो नंबर्स हैं, ये जो है वो क्या है, नंबर्स है, हमें चाहिए रुपीस। तो जब मैं आपको बोलूं कि ये 50 पैसे के कॉइन है तो ये रुपी कैसे बनता है, जब आप दो 50 रुपीस के कॉइन लोगे तब एक रुपी बनेगा ना, मतलब ये 50 पैसा मतलब ये रुपी क्या है, अगर यहां पे आप इक्वल टू में रुपीस रख रहे हो तो यहां पे भी रुपीस होने चाहिए, यहां पे तो कॉइन ला के आ रहे हो तुम आप, तो यहां पे मुझे मल्टीप्लाई करना होगा वन से, वो तो एक्स ही रहेगा, यहां पे मुझे मल्टीप्लाई करना होगा हाफ से, हाफ क्यों, 50 पैसा मतलब आधा रुपया, प्लस यहां पे कितने थे 2x थे ना, यहां पे मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 1/4 से, 1/4 क्यों, क्योंकि ये तो 1/4 वैल्यू है चवन्नी की, राइट, 25 पैसा मतलब क्या 0.25 रुपीस, राइट, तो यहां पे या तो आप 0.25 से मल्टीप्लाई करें या 1/4 से मल्टीप्लाई करें, ओके जो 50 पैसे है उसको आप हाफ से मल्टीप्लाई करें या 1/2 से करें, तो मेक श्योर जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले आप नंबर का प्रपोर्शन फाइंड कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यस, पहले आप क्या कर लेंगे, नंबर ऑफ कॉइन्स जो है उसका प्रपोर्शन कर लेंगे कि एक रुपए वाला इतना कॉइन, 50 पैसे वाला इतना कॉइन, 25 पैसे वाला इतना कॉइन, फिर आप क्या करोगे, 1 रुपी मल्टीप्लाइड बाई 1 वन ही रहेगा, 50 पैसे मल्टीप्लाइड बाई 0.5 या फिर हाफ, और जो 25 पैसे है उसमें 0.25 से मल्टीप्लाई कीजिए या फिर 1/4 से, क्यों, क्योंकि हमें जो यहां पे दिया है टोटल वो क्या है, रुपी, नॉट टोटल नंबर ऑफ कॉइंस, समझ रहे हो, ओके तो अभी सिंप्लीफाई करें, x प्लस 4x बाय 2 2x बाय 4 इज इक्वल टू 56, तो यहां पे सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा 2x, यहां पे 0.5x 0.5 कर देते हैं, यस, तो x प्लस 2 प्लस 0.5 मतलब 3.5x इक्वल टू 56, या फिर आप एलसीएम ले लीजिए तो भी चलेगा, ओके यहां पे एलसीएम ले लीजिए तो भी चलेगा, मैंने x प्लस 2x और यहां पे 0.5 कर दिया है, ठीक है, सिंपल, तो x की वैल्यू क्या होगी, ये x की वैल्यू क्या होगी 16, ये क्या हुआ, ये x क्या एज्यूम किया था हमने, x क्या एज्यूम किया था, अब यहां पे x आए तो ये मत बता देना ओके सी इज द आंसर,
डोंट डू दैट, क्योंकि यहां पे जगह जगह पे आपके रॉन्ग आंसर्स मैच होने वाले हर एक स्टेप, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला क्योंकि यहां पे गलती होने के चांसेस ज्यादा है. ओके, एक्स इज अ नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन. एक्स क्या है? 1 रुपी कॉइन, नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन. अभी हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन क्या पूछा है? नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, वो कितना है? 1 रुपी का 4 टाइम, 4 into 16, 64. तो यहां पे हमारा 64 करेक्ट आंसर आएगा. इज दैट क्लियर? तो दिस इज रियली वेरी नाइस क्वेश्चन. एक ऐसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7. ट्राई टू सॉल्व दिस ओवर हियर. चलिए, ये एग्जांपल नंबर 7 ऐसा ही एक क्वेश्चन है. यहां पे ट्राई करें सॉल्व करने की, 6 हम करेंगे बाद में, पहले ये मुझे 7 सॉल्व करके बताइए. और यहां पे आपको क्या पूछा है? नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉइन. ओके, ईच टाइप ऑफ कॉइन, अच्छा है. चलिए, ट्राई टू सॉल्व दिस ओवर हियर इन क्लास इटसेल्फ. और यहां पे ये जितने भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, एक बार आप मॉड्यूल सोल्व करके आएंगे, पूरा चैप्टर करके आएंगे, फिर भी आपको लगा ये कहां से सम लेके आएंगे, ऐसा ही लगेगा. और एग्जाम में भी ऐसा ही होता है, एग्जाम में भी ऐसा ही होता है, क्योंकि आपने पास्ट एग्जाम या फिर स्कैनर सोल्व नहीं की होती है, तो दैट इज मस्ट. इसलिए मैं यहां पे सोल्व करवा रहा हूं एमटीपी और एवरीथिंग. यहां पे देखिए एमटीपी अक्टूबर में, ये मई 7 वाला क्वेश्चन ही पूछा था आपको एमटीपी में. तो जो भी आपके एमटीपी के भी क्वेश्चंस है ना, वो सब यहां पे आ रहे हैं, एवरीथिंग इज कवर्ड. चलिए, इसका आंसर दीजिए मुझे. यहां पे आपको रेशियो तो सीधा ही दे दिया है 3, 4, 5. इसमें तो रिवर्स वर्किंग भी पॉसिबल है, ये इतना सिंपल क्वेश्चन है, इसमें रिवर्स वर्किंग भी पॉसिबल है. क्या आंसर आ रहा है? आंसर ए. इज इट द करेक्ट आंसर? लेट अस चेक. अभी देखिए, मैंने पहले बोला आपको रिवर्स ट्रिक भी पॉसिबल है. कैसे? सिंपल, अभी कैलसीपी कर दीजिए 102. यहां पे देखिए, पहले तो आपको ये चेक करना है ये 3, 4, 5 रेशियो में है या नहीं है. ओके, ये है. ओके, 3, 4, 5 रेशियो में है. ओके, कैसे? इसको 3 से डिवाइड करें, 102 को 3 से डिवाइड करें, 34. अभी 34 को दोनों से डिवाइड करें, 4, 5 आ रहा है, 136. तीनों में आ रहा है, मतलब ये तीनों 3, 4, 5 तो है ही. ठीक है, अभी हम क्या करें, 1 रुपी के 102 पॉइंट्स प्लस 102 रुपीज हो गए, ये 136 पॉइंट है. अभी इसको क्या करूं मैं, 2 से डिवाइड कर दूं, 2 से डिवाइड करना, अरे 50 पैसे, या फिर 0.5 से मल्टीप्लाई करो, 50 पैसे या फिर 0.5 से मल्टीप्लाई करो, दोनों कर सकते हो आप. चलिए, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हाफ करें, तो यहां पे आप 50 पैसे ऐसे भी कर सकते हो, वही हुआ प्लस 170 10 पैसे. यहां पे 10 पैसे मतलब 0.10, 1/10 या 0.10. ओके, तो टोटल करें 187 आ रहा है. कैलसी में भी पटाख से एम प्लस करके एमआरसी करना है, 102 एम प्लस 136 इंटू 0.5
प्लस 117 टू 0.10 17 रुपीज प्लस 102 रुपीज प्लस 68 कितना हुआ हो गया ए इज द आंसर करेक्ट आंसर ठीक। अभी जो हमने ऊपर जो मेथड लर्न की थी कैसा है वैसे भी कर सकते हैं ये रिवर्स सबसे आसान तरीका ठीक है। अभी हमने यहां पे जो मेथड लर्न की थी वैसे भी कर सकते हैं ऑफ कोर्स कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं सिंपल यहां पे 1 रुपी एक्स है 3x है यहां पे रेशियो दिया ना तो 3x 4x 5x ओके। अभी ये 1 रुपी मतलब 1 रुपी 1 रुपी मतलब 1 रुपी यहां पे 4x इसको आप 1/2 या फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए यहां पे 10 से डिवाइड कर दीजिए 10 पैसे है इसीलिए 1/10 या फिर 0.10 से मल्टीप्लाई कीजिए इधर और ओके तो इक्वल टू 187 होना चाहिए तो x की वैल्यू मिल जाएगी हमें 3x प्लस 2x प्लस 0.5x इक्वल टू 187 तो अभी क्या है 5.5x इक्वल टू 187 x की वैल्यू क्या होगी x की वैल्यू ऐसा नहीं होगा 187 डिवाइड बाय 5.5 34 ही आना चाहिए बराबर है। अभी देखिए 34 है तो अभी x 34 मिल गया तो 3x 34 इंटू 3 34 इंटू 4 34 इंटू 5 102 136 170 ए इज द आंसर क्लियर है ओके। हाँ चलिए अभी 6 क्वेश्चन एक पेंडिंग था देख लीजिए 8 पीपल आर प्लानिंग टू शेयर इक्वली द कॉस्ट ऑफ रेंटल कार। अब चल 8 लोग 8 लोग जो है वो कार में जा रहे हैं ओके तो 1818 पेयर करेंगे 1/8 कॉस्ट 1/8 ऑफ टोटल कॉस्ट इज टू बी बोर्न इक्वली बाय ऑल इतना क्लियर है मतलब अगर 800 रुपए है समझना तो एवरी पर्सन विल बेयर 100 रुपीज इतना सिंपल है। इफ वन पर्सन विड्रॉ फ्रॉम द अरेंजमेंट अंदर शेयर इक्वली अभी डिसाइड किया कि कार हम रेंट पे लेंगे 800 रुपए हो गया एवरीबडी विल बी हैविंग 100 रुपीज सब लोगों को 1/8 मिलेगा कॉस्ट आएगी ठीक है। अभी एक अचानक से विड्रॉ हो गया अदर शेयर इक्वली एंटायर कॉस्ट ऑफ द कार देन द शेयर ऑफ ईच ऑफ द रिमेनिंग पर्सन इंक्रीज बाय व्हाट शेयर ऑफ ईच रिमेनिंग इंक्रीज कितने से होगा कितने से इंक्रीज हो जाएगा वन बाई सेवन इज द करेक्ट आंसर फिर भी इसको थोड़ा डिटेल में समझना जरूरी है ओके सो इट विल बी इंक्रीज बाय 1/7 क्योंकि अभी शेयर रिमेनिंग अभी आप इतना सोचिए कि रिमेनिंग पर्सन जो है इन 1/7 टू ऑल तो 1/7 का इंक्रीमेंट कैसे हुआ यहां पे ऐसा नहीं पूछा है कि देन द शेयर ऑफ ईच ऑफ द रिमेनिंग पर्सन इंक्रीज्ड बाय मतलब रिमेनिंग का शेयर कितना है वो नहीं पूछा है वो तो 1/7 ही है रिमेनिंग का शेयर कितने से इंक्रीज होगा वो पूछा है ओके। पहले मैंने आपको क्या बताया था कार की कॉस्ट कितनी है कैब की 800 रुपीज तो सब लोग क्या करेंगे 100 बेयर करने वाले थे कितना बेयर करने वाले थे 100 अभी हुआ क्या
अभी 800 सेवन पर्संस बैर करेंगे, कितना होगा एलसीपी कीजिए। 114.2 कितना इंक्रीज हुआ, 14.29 इंक्रीज हुआ। किस पे, 100 पे इतना इंक्रीज हुआ। हाँ तो एक काम कीजिए, 14.29 बाय 100 का प्रोपोर्शन कीजिए, 14.29 इंक्रीज हुआ आउट ऑफ 100, तो इसका प्रोपोर्शन कैसे होगा, 0.1429। 1 बाय 7 कीजिए कितना हो, 3। समझ रहे हो, 1 बाय 9 करे डिफरेंट होगा, 1 बाय 8 करे डिफरेंट होगा, 7 बाय 8 करे डिफरेंट होगा। तो यहां पे क्या पूछा है, इंक्रीज कितना होगा, इंक्रीज कैसे हो रहा है, समझ रहे हो। दिस इज हाउ, एक दूसरी भी टेक्निक है बट वो थोड़ी लंबी होगी। 1 बाय 8 पहले था, अभी कितना हुआ 1 बाय 7, तो इन दोनों का डिफरेंस उतना इंक्रीज हुआ, उसको कंपेयर करना है 1 बाय 7 से। बट वो कंपेरिजन से बेहतर क्या है, मैंने 100 एज्यूम कर लिया। हाँ वो एलसीएम से होगा, वो 56 आएगा, 1 बाय 56 या 7, हाँ 1 बाय 56 से इंक्रीज होगा इन कंपेयरिंग टू 1 बाय 8, तो 1 बाय 7 इंक्रीज होगा, वहां पे भी आंसर वैसे ही आएगा। ठीक है, चलिए क्लियर है। 8 एग्जांपल नंबर 8। अभी ऐसे बहुत क्वेश्चन है इन डिटेल, और मैंने क्या किया है समझना, ये जो भी एमटीपी है वो तो मैंने इन बिटवीन ले ही लिया है। लाइक यहां पे अगर आप देखें, ये फोर्थ क्वेश्चन जो फेब्रुआरी 7 का है, ठीक है, वैसे ये मटेरियल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट है, अटेम्प्ट के ऑर्डर में बनाया है। ठीक है, तो फेब्रुआरी 7 का ऑलरेडी क्वेश्चन था जो आपको एमटीपी मार्च 21 में पूछा था, ओके, मतलब एमटीपी में आया था, तो ये यहां पे बीच में आया था वो ले लिया है। अभी जो जो एमटीपी के क्वेश्चन नए आए, मतलब जो पास्ट एग्जाम में नहीं थे, नए क्वेश्चन आउट ऑफ ब्लू, तो वैसे लास्ट में पूरे एमटीपी 62 ऑनवर्ड्स, ये पूरे एमटीपी के क्वेश्चंस है, ये सारे एमटीपी के नए नए क्वेश्चंस जो पास्ट एग्जाम में नहीं थे, ओके, या कुछ कुछ डिफरेंट थे। ऐसा करके अब तक मई 22 का जो भी एमटीपीज है वो मैंने कवर अप कर लिया है एवरीथिंग, ओके। मतलब ये सिर्फ चैप्टर 1 के नहीं है, ये सिर्फ चैप्टर 1 के दो यूनिट्स के क्वेश्चन। अभी यूनिट 3 इंडाइसिस, यूनिट 4 लॉ, वो तो पेंडिंग ही है, तो देखिए कितने सारे क्वेश्चन है। इतना कर लिया, मोर देन इनफ, एवरीथिंग इज कवर्ड। चलिए तो ये हो गया एग्जाम्पल 8। रेशियो ऑफ अर्निंग ऑफ ए एंड बी इज 4:7। चलिए वो ठीक है, इफ अर्निंग ऑफ ए इंक्रीज बाय 50% एंड दोज ऑफ बी डिक्रीज बाय 25%, न्यू रेशियो विल बी 8:7, तो ए की अर्निंग क्या होगी। अब देखिए प्लस 5 रुपीज, माइनस 5 रुपीज, वो तो देखा था। यहां पे क्या बोला, 50 रुपीज से इंक्रीज हुआ, 25 से डिक्रीज हुआ, तो क्या करोगे। एक काम करते हैं, यहां पे दोनों का अर्निंग क्या है, लेट अस कंसीडर 4x 7x। अभी इसमें क्या हो रहा है, इसमें 50% इंक्रीज हो रहा है, 50% प्लस कर दीजिए, इसमें 25% माइनस हो रहा है, माइनस कर दीजिए, इक्वल टू 8/7। अभी 50% प्लस मतलब 4x का 50% आधा 2x, तो 4x + 2x, समझ में आ रहा है। अभी 7 का 25% कितना होगा बोलिए, या फिर आप सीधा कर सकते हो 7 का 75%, 7 का 25% कीजिए, चलिए नो प्रॉब्लम, 7 का 25%, तो यहां पे होगा 1.75x। समझ में आया कि नहीं, 4x का 50%, 2x, मतलब ये 4x क्या है, अर्निंग ऑफ ए,
ये ए की अर्निंग है, ये बी की अर्निंग है। अगर अर्निंग 100 हुआ तो 100 में आपने क्या किया, 50 प्लस किया तो 150 हो गया। वैसे तो यहाँ पे 4x इंटू 1.5 6x, 50% बड़ा मतलब डेढ़ गुना हो गया ना, तो 4x था अर्निंग, अभी कितना हो गया 6x, सिंपल। और यहाँ पे 7x था तो 25% रिड्यूस हो गया, मतलब 75% हो गया, 5.25। तो यहां पे क्या होगा, 6x / 5.25, 8/7। चलो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 42x इज इक्वल्स टू 5.25 इंटू 8 करें, 42। हाँ वो तो 42x = 42x = 42x = 42x, तो x मतलब क्या, x कैंसल, 42 कैंसल, डेटा इनएडिक्वेट। यस, डेटा आपको कुछ डिफरेंट देना चाहिए, कुछ तो अलग दीजिए, या फिर आप ऐसा दे दीजिए कि बी का अर्निंग इतना है तो ए का क्या होगा, हाँ वो हमें मिल सकता है। अगर आप किसी एक का भी अर्निंग दे दे या फिर टोटल अर्निंग दे दे तो भी हमें मिल सकता है, ठीक है, अभी डेटा सफिशिएंट नहीं है। चलिए, ये क्वेश्चन किया था हमने पीक्यूआर वाला, यस यस यस, यहां पे किया था, हाँ 18 PQR, ये क्या है, मॉड्यूल की एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 18। PQR 3 सिटीज, रेशियो इज PQ 11-12, PR 9-8, तो फिर QR का रेशियो क्या होगा, इक्वेशन P/Q × Q/R, Q कैंसल होगा PR, ओके okay, तो हमें चाहिए QR, QR का रेशियो क्या होगा, P/Q और P/R का रेशियो पुट कर दीजिए, 27:22, सिमिलर क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं है, एज इट इज पूछा आपको, 27:22, इज दैट क्लियर, एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 18। चलिए नेक्स्ट, 407 आर टू बी डिवाइडेड अमोंग ए बी सी सो दैट देयर शेयर्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:4 नहीं है, 1/4:1/5:1, रेशियो ऐसे नहीं होता, 1/4, 1/5, 1/6, एलसीएम लेके पहले तो इसको इक्वल करना होगा, रिवर्स ट्रिक से कर सकते हैं, यस दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, कैसे कैसे कैसे, देखिए यहां पे आपको क्या करना है, ये 165 है, इसको क्या करेंगे, इंटू 1/4 एज इट, हाँ फिर क्या करोगे आप, 1/5 एज इट, फिर क्या करोगे, 1/6, ऐसा नहीं होगा, ये 1/4 है वो टोटल का है, मतलब ये 1/4 मतलब ये 0.25 है रेशियो, ठीक है, इज टू 1/5 मतलब 0.20 है, इज टू 1/6 मतलब कितना हुआ, इज इट 16667, राइट, तो इस तरह है, समझे, अभी इन तीनों का रेशियो करें ये होना चाहिए, अगर आपको डायरेक्ट करना ही है ना अभी कीजिए डायरेक्ट, समझ रहे हो, बट एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, क्या करते हैं यहां पे, पहले तो ये 1/4 है, ये 1/5 है, 1/6 है, इसको एलसीएम लेके ठीक कर देते हैं अच्छे से, 4/5/6 एलसीएम, 4/5 20 6 120/2 हो गया 60 से डिवाइड हो सकता है, 60/4 पॉसिबल, 5 पॉसिबल 6 पॉसिबल, 60 15 + 60 इस तरह हो जाएगा, 15 + 12 5+10, ओके तो दिस इज हाउ इट विल बी, तो ये पॉसिबल है, एलसीएम ले लिया, इसका मतलब क्या हुआ पता है, इसका रेशियो होगा 15:12:10,
अभी इसका रेशियो हो गया, अभी 407 जो है उसको आप क्या करें 15/60। तो मैंने यहां पे क्या बोला था, ये 407 को इस रेशियो में डिवाइड कर दीजिए, ये सीधा हो जाएगा। देखिए यहां पे अगर आप देखेंगे 407 है, उसको उसका 0.25 करें, सॉरी इस रेशियो में करना है, इस रेशियो में करना है, उसके तीन हिस्से इस रेशियो में करना है, ठीक है। मतलब यहां पे क्या होगा, ये 15/60 करिए, पहले 15/60 करिए, फिर बताता हूं मैं क्या करना है। ओके, अभी ये 60 जो है, समझना, ये 60 तो हमने एलसीएम लिया था, क्यों एलसीएम इसलिए लिया था, क्योंकि हमें रेशियो मिल जाए। अब इसका रेशियो क्या होगा, टोटल क्या होगा, जब मैं बोलूं 15:12:10, मतलब उसका रेशियो क्या होता है 15/37। किसी भी, अगर आपको किसी भी जगह पे ऐसा दिया हो कि इसको 15:12:10 में डिवाइड करना है, तो उसका रेशियो क्या होगा 15/37, 12/37 एंड 10/37, लाइक दैट। हाँ, वो जो 60 है वो एलसीएम का है। ओके, वो हमने एलसीएम लिया इसका है, अभी हमें क्या करना है रेशियो। चलिए सॉरी, डिवाइड कीजिए, क्या होगा आंसर 165। 407 इंटू 12/37 1132 एंड 407 इंटू 10/37 ए इज द आंसर। अभी यहां पे आपको करना है तो आप क्या कर सकते हो, इन तीनों का टोटल करना है पहले, फिर उसको डिवाइड करना, मतलब 0.25 डिवाइडेड बाय 4556 1117, लाइक इट 6667। तो 0.25 by 0.61666 इंटू 407, तो उसमें थोड़ा वो 66667 है, इसलिए प्रॉब्लम होगा। ये सही है, इस तरह करेंगे। चलिए इतना क्लियर है, नेक्स्ट। The income of A and B are in the ratio of 3:2, their expenditure is in the ratio of 5:3. If saves 1500, then B's income will be. If each saves 1500, अब देखिए ऐसा क्वेश्चन हमने आगे किया था, कैसे करना है, इनकम क्या है 3x 2x, अभी एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है 5/3, और मैंने आपको बताया था इनकम में से जो भी आप सेव कर रहे हो सेविंग वो माइनस कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा एक्सपेंस। तो यहां पे आप, और यहां पे ईच लिखा है 1500 ईच जो है वो लिखा है, ऐसा नहीं है दोनों साथ में 1500 करें, 1500 ईच। ओके, तो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसका बोला है बी का इनकम, मतलब ये 2x, एक्स आंसर नहीं होगा, एक्स तो हमने एज्यूम किया है, ठीक है 2x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 9x-4500, सीधा ही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं 10x-7500, अभी 7500 को इधर ले जाते हैं 3000 पॉजिटिव, 9x को उधर ले जाते हैं x की वैल्यू मिली 3000, ऐसा मत करना। ओके, मतलब ये एग्जाम में क्या होता है कि जल्दी जल्दी में हम ऐसे ही कर देते, ओके x की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू नहीं पूछी है आपको, पूछा है अर्निंग ऑफ ए बी, तो ये ए का अर्निंग है, ये बी का अर्निंग है, ए का अर्निंग होगा 9000, बी का अर्निंग होगा 6000, इज दैट क्लियर, आंसर आएगा ए 6000। नेक्स्ट, कई बार तो क्या है क्वेश्चन में जो बोला है वो आपके समझ में नहीं आता, मतलब फट से समझ में नहीं आता, फिर दो तीन बार पढ़ते हो
फिर बाद में जाके ओके ऐसा बता रहे थे, और इतना सिंपल होता है ना कि वो कॉम्प्लिकेट हो जाता है। मतलब आप अगर सॉल्व करने, मतलब अगर मैं आपको सॉल्व करा दूं ना, आप बोलते इतना इजी क्वेश्चन था, मतलब समझ में नहीं आ रहा था ऐसा क्वेश्चन। इन 40 लीटर मिक्सचर ऑफ ग्लिसरीन एंड वाटर द रेशियो ऑफ ग्लिसरीन वाटर इज 3:1। ओके द क्वांटिटी ऑफ वाटर एडेड इन मिक्सचर इन ऑर्डर टू मेक दिस रेशियो 2:1। मतलब क्या पूछा क्या है? ये भी मैं बता रहा था ना ऐसा क्वेश्चन। अगर आंसर में बता दूं ना तो फट से ऐसा क्वेश्चन था, ऐसा है। अभी देखिए सिंपल है, ये 40 लीटर है टोटल मिक्सचर। ओके इसमें से ग्लिसरीन एंड वाटर 3:1 में, मतलब ग्लिसरीन 30 लीटर हुआ और वाटर 10 लीटर हुआ। ये तो सिंपल है, इसमें कोई डाउट? अभी क्वांटिटी ऑफ वाटर एडेड इन द मिक्सचर, मतलब सिर्फ वाटर की क्वांटिटी एड करना है, ग्लिसरीन तो जितना था उतना ही रहने वाला है। वाटर में कितना ऐड करना है, मतलब ये 30 एज इट इज है और ये 10 है, ये ग्लिसरीन है ये वाटर है। अभी इसमें मैं क्वांटिटी एक्स ऐड करूं तो रेशियो हो जाएगा 2:1। व्हाट इज एक्स? सिंपल है। और एक बात ये अभी भी मैंने एक्स से किया, एक्स से करने लायक क्वेश्चन भी नहीं है। पहले तो एक्स से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? पहले ये मैंने जो किया समझ में आया, फिर से करूं। 40 लीटर का ऑलरेडी मिक्सचर है जिसमें 30 लीटर ग्लिसरीन है और 10 लीटर वाटर है। वाटर में कितना ऐड करूं इस मिक्सचर में जिससे इन दोनों का रेशियो 2:1 हो जाए? मतलब ग्लिसरीन को तो टच ही नहीं करना है, ग्लिसरीन जितना है उतना ही रखना है, और फिर भी मुझे दोनों का रेशियो 2:1 चाहिए। 2:1 हाँ बराबर है। तो यहां पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 30 = 2 10x 20 + 2x इज इट 20 इधर जाएगा 10 2 डिवाइड में आ जाएगा 2 = x 5 लीटर। आंसर 5 लीटर। सिंपल, इससे भी सिंपल तरीका, इससे भी आसान तरीका। अभी देखिए ये दोनों रेशियो में क्या है, 3:1, 30 10 30 10। मुझे कितना रेशियो चाहिए? अगर मुझे ये सेम रखना है 2:1, अगर ये 2 है तो 1 पे कितना होगा, 2 पे 30, 1 पे कितना 15, कितना ऐड करना है 5। समझना, 30 सेम है, ग्लिसरीन में टच नहीं करना है, उतना ही रखना है। ओके 30:10 3:1 रेशियो में है। ओके अभी मुझे क्या चाहिए, वाटर में कुछ ऐड करना है, मतलब वाटर वेरिएबल है, फिक्स क्या है, ग्लिसरीन 30 एज इट इज है, 2:1 पे 30 तो 1:1 पे कितना नया रेशियो, तो 1 पे 15, 2 पे 30, 1 पे कितना आधा 15, मतलब 10 था 5 ऐड कर दीजिए 15 हो जाएगा 5, सीधा ही हो गया। मतलब अभी देखिए यहां पे दैट्स व्हाट आई सेड कि एग्जाम में आपको क्या करना है, इतना फटाफट सोल्व करना है। अभी आप एक्स कंज्यूम करो, सोल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इतना करने जाओगे तो टाइम ही रहने वाला नहीं है। स्ट्रेट अवे कैलकुलेशन करना है और जितना भी क्विक हो सके उतना सोल्व करना है, सिंपल। फिर भी मैंने, अगर आपको शॉर्टकट समझ में नहीं आता है तो लॉन्ग रूट तो बताया ही है। ओके और अगर आप यहां पे रिवर्स ट्रिक से भी जाए ना वो भी आसानी से हो जाएगा। कैसे, 30 10 है, अभी वाटर में 10 में प्लस कीजिए 15, 30 25 नहीं होगा, 30 20 नहीं होगा, 30 18 नहीं होगा, 30 15 2:1 हो गया, वो भी हो जाएगा। समझ में आना चाहिए, ओके क्या पूछ रहे हैं, इज दैट क्लियर? तो रिवर्स से भी हो जाएगा। चलिए थर्ड प्रपोजल,
प्रोपोर्शन में क्या होता था, थर्ड प्रोपोर्शन कैसे करते थे हम फाइंड, ये फर्स्ट प्रोपोर्शन है, ये सेकेंड है, व्हाट इज थर्ड प्रोपोर्शन? ए बाय बी इक्वल टू बी बाय सी, ये थर्ड प्रोपोर्शन है। वन, ये फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये मीन प्रोपोर्शन और ये थर्ड प्रोपोर्शन। ओके, तो अभी क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट प्रोपोर्शन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई ए प्लस बी द होल स्क्वायर। टेल मी वन थिंग, व्हाट, इसमें कोई डिफरेंस है क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या फिर ए माइनस बी द होल स्क्वायर? यहां पे नहीं है, एज इट इज पूछ रहा हूं मैं। रेशियो में जब मैंने आपको एक्सरसाइज सोल्व करवाई थी, एग्जाम्पल नंबर 20 में मैंने आपको बताया था कि जी हां, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर जो है, उसका मतलब है पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, जबकि पी माइनस क्यू द होल स्क्वायर है वो क्या होगा? मतलब अगर मैं ऐसा बोलू यहां पे आपको, मतलब वहां पे तो मैंने समझाया था, यहां पे फिर से समझा देता हूं। अगर मैं आपको ऐसा बोलू ए माइनस बी द होल स्क्वायर है और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो फर्क पड़ता है? जी हाँ, ऑब्वियसली पड़ता है, क्योंकि इसका आंसर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। कैसे कैलकुलेट किया वो मैंने पूरा आपको 20 में समझाया है डिटेल में। ओके, वो जो हमने एक्सरसाइज की था ना वहां पे समझाया था, यहां पे सिर्फ रिपीट कर रहा हूं। यहां पे क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस की साइन टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये डिफरेंस क्लियर है? ओके, इतना क्लियर है। चलिए तो अभी यहां पे समझना क्या है, इक्वल टू ए प्लस बी द होल स्क्वायर सी मतलब एक्स, थर्ड प्रोपोर्शन, और हमें ये थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू चाहिए। ओके, नो प्रॉब्लम। अभी यहां पे मैं एक्स को अकेला करना है, मुझे एक्स को अकेला करना है, क्या करेंगे? घबराना मत, सॉल्व नहीं करना है। कई बार आपको ऐसा लगता है इतना बड़ा सॉल्व कैसे करना है, कुछ होता नहीं, आंसर में देख ले, आपको पता चल जाएगा आंसर कितना आ रहा है। आंसर में एक बार देख लेना कैसे, मतलब कई बार तो क्या होता है पता, आप सोल्व करते जाते हो फिर बाद में ऐसा तो कुछ आ ही नहीं रहा, बट आंसर में देखें, आपको ऐसा पूरा सोल्व ही नहीं करना है। ओके, ऑप्शंस देखें। अभी देखिए यहां पे क्या होगा, ए प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना क्लियर है? ओके, अभी ये दो दो स्क्वायर मिलेंगे, टू स्क्वायर इंटू टू स्क्वायर, तो टू रेज टू फोर हो जाएगा, पावर पावर एड हो जाता है, नो डाउट इंडेसिस में लर्न करेंगे। अगर आप किसी भी पावर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, एडिशन हो जाएगा ना पावर का, 2 प्लस टू फोर। यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस बी ए माइनस बी, यहां पे एक ए प्लस बी निकल गया, यहां पे 3 हो गया, ऐसे ना, ए प्लस बी रेज टू पावर 4 मतलब ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, एक ए प्लस बी कट गया, ए प्लस बी क्यूब, क्लियर है, डिवाइडेड बाय ए बाय ए माइनस बी, आंसर डी, पूरा सोल्व ही नहीं करना है। ओके, इन व्हाट रेशियो शुड टी वर्थ रुपीज 10 पर बी मिक्स विथ टी, ऐसा टी वाला क्वेश्चन भी किया था हमने, हाँ, वर्थ 14 पर केजी so that the average price of the mixture be 11. चलिए करते हैं, should the tea worth rupees, अभी यहां पे पहले टी है वो 10 पर के जी है, 10x, टी वर्थ रुपीज 14, यहां पे 14y, क्योंकि प्राइस तो पता नहीं ना, प्राइस हमें पता है क्या, नहीं, यहां पे पूछा क्या है, so that the average price of mixture मे बी रुपीज 11 पर केजी, प्रपोर्शन पूछा है। लेट अस अज्यूम ये जो कॉस्ट ही है उसकी प्राइस एक्स, ओके, और जो ये सेकेंड टी मिक्स करे उसकी प्राइस वाई, हमें चाहिए इन दोनों का रेशियो एक्स इज टू वाई। ओके, तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, 10 रुपीज पर केजी है,
सो दैट द एवरेज प्राइस ऑफ मिक्सचर में बी 11. ओके, क्वांटिटी क्वांटिटी चाहिए, तो यहां पे क्या होगा, ये एक्स क्या है, क्वांटिटी है ऑफ 1, वाई क्या है, क्वांटिटी ऑफ 2. तो दोनों का क्वांटिटी का रेशियो चाहिए जिससे वो 11 हो, जिससे वो क्या हो, एवरेज 11 हो जाए, प्राइस क्या हो जाए, एवरेज 11. मतलब प्राइस 11 होनी चाहिए, हाँ एवरेज प्राइस हो, एवरेज प्राइस 11 होनी चाहिए. कैसे होगा, तो यहां पे इन दोनों का मिक्सचर किस रेशियो में होगा, मतलब एक्स वाई क्वांटिटी है, एक्स वाई क्वांटिटी ऑफ 1t फर्स्ट टी एंड क्वांटिटी ऑफ सेकेंड टी. ओके, सिंपल, इक्वल टू यहां पे ये दो मिक्स करेंगे तो इसकी प्राइस क्या आएगी, 11. बट आंसर तो ये तो प्राइस 11 आएगी वो पर केजी आएगी ना, यहां पे हमें टोटल चाहिए. ओके, इन्होंने बोला एवरेज प्राइस मिक्सचर विल बी 11, मतलब एक्स का भी 11 हो गया, वाई का भी 11 हो गया, एक्स का भी 11, वाई का भी 11. एवरेज प्राइस 11 मतलब एक्स को भी 11 से मल्टीप्लाई कीजिए, वाई को भी 11 से मल्टीप्लाई कीजिए, टोटल 11 की पर केजी प्राइस रहने वाली है. तो भी क्या होगा, सिंप्लीफाई करें, हमें तो एक्स वाई का रेशियो चाहिए, y को इधर आने दे, x को उधर जाने दे, इज दैट क्लियर. तो लेट इट बी 3 एज इट इज, x डिवाइडेड बाई y इक्वल टू 3, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता, में क्या होता है 1, 3 इज टू 1 b. ये एक्स वाई क्या है, क्वांटिटी, मतलब टोटल क्वांटिटी बनेगी. क्वांटिटी नहीं पता है हमें, अगर एक ही भी क्वांटिटी पता होती तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर पाते, क्वांटिटी नहीं पता है. बट अगर आपको ये मेथड नहीं जमती है, डोंट वरी, रिवर्सटिक भी हमारे पास, कैसे कैसे, ये एक्स वाई क्या है, क्वांटिटी. ओके, तो अभी एक काम कीजिए, क्या 10 इंटू रिवर्स ट्रिक, इसको थोड़ा मैं इधर खिसका देता हूं, ठीक है. अभी यहां पे हम करेंगे रिवर्स ट्रिक. ओके, रिवर्स ट्रिक कैसे कैसे, ये 10 इंटू 2 एक्स का रेशियो प्लस 14 इंटू 1 वाई का रेशियो, कितना हुआ, 20 + 14 = 34. अब ये 34 का डिवाइड बाय 3 कीजिए, क्यों डिवाइड बाय 3, क्योंकि हमने 2 केजी, समझ लेना ये 2:1 मतलब रेशियो है, बट अभी मान लीजिए कि 2 केजी 1 केजी है, मान लीजिए. ओके, तो 2 केजी 10 रुपए वाली टी मैंने मिक्स की, 1 केजी 14 रुपीज वाली मैंने मिक्स की, तो टोटल 3 केजी बनी थी कितने रुपीज में, 34 रुपीज में, डिवाइड बाय 3, तो ये 11.333 आएगा, हमें एग्जैक्टली 11 चाहिए, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता. अब एक काम करते हैं, 10 रुपीज वाली टी है वो 3 केजी मिक्स करें, और जो 14 रुपीज वाली टी है वो 1 केजी मिक्स करें, कितना होगा, 30 + 14 = 44. कितनी टी बनाई हमने, 4 केजी डिवाइडेड बाई 4, 11, आंसर भी डायरेक्ट क्लियर है. जो भी मेथड आपको समझ में आए वैसे करना है, बट जो मैंने एक्सरसाइज में जितना टाइम लिया था एक एक सम को सॉल्व करने में, और यहां पे देखिए रिवर्स ट्रिक से या फिर शॉर्टकट से कितना फटाफट हम सॉल्व कर रहे हैं, राइट. तो ट्राई दैट वे. 15 समझाने में टाइम जा रहा है वो, ओके नो प्रॉब्लम. एजेस ऑफ टू पर्सन आर इन द रेशियो 5:7, 5x 7x. ओके, फिर क्या हुआ, एटीन ईयर्स अगो, मतलब 18 ईयर्स अगो ऐसा क्वेश्चन भी आया था, यस, देयर एज वेयर इन द रेशियो ऑफ 8:13, तो प्रेजेंट एज क्या होगी, मतलब 5x 7x क्या होगा. तो या तो आप उसको सिंप्लीफाई कर दें,
या फिर रिवर्स पिक। ओके, या तो आप इसको सिंप्लीफाई करें, एक्स की वैल्यू फाइंड करें, उसको 5 से मल्टीप्लाई करें, उसको 7 से मल्टीप्लाई करें, तो आपको एज मिल जाएगी। या फिर रिवर्स पिक में क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ए, और रिवर्स पिक में सबसे बेहतर क्या होता है ना, ए इज द आंसर, इट्स रियली वेरी गुड। इज द आंसर तो सब सोल्व करना पड़ेगा, बट अगर ए या बी आंसर आ गया तो आपको सिर्फ दो, हाँ बट मेक श्योर अगर आप ए सोल्व कर रहे हो और ऑल ऑफ द अबो किया है लास्ट में, ऑल ऑफ द अबो, तो सब सोल्व करना होगा, ठीक है। तो रिवर्स ट्रिक में वो ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, अभी क्या करना है, एज ऑफ द टू पर्सन इन द रेशियो ऑफ 5:7, यहां पे ए जो है वो 5:7 में है, ये तो 5:7 में है ही नहीं, ये 5:7 में है, ओके, तो करना होगा। मैंने सोचा वहां नहीं आया तो ए आंसर हो जाता, ऐसा नहीं है। चलिए 5:7 है, 18 years ago मतलब 50 में से पहले 18 माइनस कर दीजिए, तो 50 माइनस 18, 70 माइनस 18, 32/52, रेशियो कीजिए 8:13, 8 फोर जा 13 हो गया, ए इज योर आंसर, 8 फोर जा 13 फोर जा। ओके, क्लियर है। अभी सीधे सॉल्व करोगे तो भी 32/52 आ जाएगा, मतलब एक्स की वैल्यू जो है वो 10 आएगी, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 10 आएगी, तो 10 × 5, 10 × 7, 50, 70 करेक्ट आंसर। ट्राई करना, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 10, ओके 16। इफ एबीसी स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग रुपीज 165, 84/210, इफ एट द एंड ऑफ द ईयर 242, अभी देखिए प्रॉफिट 242 है, आपने इन्वेस्ट किया है कैपिटल में, वैसे तो पार्टनर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देते हैं और वो जो रेशियो है उसी पे करते हैं, बट अभी दिया नहीं है तो कैपिटल जो लेके आए उस प्रोपोर्शन में देना है, सिंपल है। तो ये इसका पहले रेशियो निकाल दीजिए, इसका रेशियो 126:84:210 ऐसा नहीं, अभी भी रेशियो को जितना बन पाए उतना छोटा कीजिए, छोटा कीजिए, छोटा कीजिए। नहीं 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 नहीं, पार्टनरशिप का फंडा यहाँ पे नहीं करना है, इफ नथिंग इज गिवन इक्वल रेशियो, क्योंकि अभी देखिए इन्वेस्टमेंट ला रहे 126, तो बोलेंगे मुझे 126 के हिसाब से प्रॉफिट मिलना चाहिए, दूसरे इन्वेस्ट कर रहे हैं 84/210, ओके, तो इस तरह तो वही रेशियो में करेंगे हम, इसका रेशियो कीजिए। चलिए होगा 42 से डिवाइड हो सकता है, 42 3 जा, सर आप ये डिसाइड कैसे करते हो, अभी देखिए डिसाइड आपसे डायरेक्टली ना हो पाए, ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 2 करते जाना, 3 करते जाना, ऐसे आप सिंप्लीफाई करते करते पहुंच जाओगे 42 3 जा, 42 2 42 5, तो ये हो गया आपका 3:5 रेशियो। अभी क्या करना है, 242 को 3:5 में डिवाइड करना, मतलब 3/10, 2/10, 5/10, चलो क्या होगा, 3/10, 3/10, 72 6, हाँ तो फर्स्ट ही आ गया, क्योंकि फर्स्ट में 72/600 एक में है, चलिए कर लेते हैं, आगे भी कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। यहां पे आएगा 48/400 और यहां पे 121, ए इज द आंसर। क्लियर है, ये बीच में ईयर क्यों नहीं लिखा है पता नहीं, ये 2008-09 के बीच के होगा, ठीक है।
भूल गए लिखना ही चलेगा. P by Q equals to minus 2 by 3, minus 2 by 3, minus 2 by 3. Then the value of P to P plus Q to P minus Q is what? Is what? मैंने आपको पहले भी बताया है क्या? कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिवर्स ट्रिक से पॉसिबल ही नहीं है. कैसे करोगे आप? वैल्यू ऑफ 2p बाय 2p प्लस q 2p माइनस q इज 1. तो यहां पे अगर आप रिवर्स करने जाओगे तो भी 4 मतलब आपको सॉल्व करना होगा डिटेल में, क्योंकि वी वांट p बाय q. ओके, तो स्ट्रेट वे ही जाते हैं. मैंने आपको पहले भी बोला था कि p बाय q इक्वल टू जो कुछ भी रेशियो है यहां पे, से फॉर एग्जांपल 2 बाय 3. इसका मतलब प्रिसाइसली ऐसा नहीं होता है कि p की वैल्यू 2 q की वैल्यू 3, ऐसा नहीं होता है. ओके, और जब नेगेटिव है तो माइनस 2 बाय 3 वॉट एवर. बट इसका कुछ प्रोपोर्शन होता है के, मतलब के या एक्स वॉट एवर यू कॉन्स्टेंट वैल्यू एज्यूम करें. और यहां पे भी हमने रेशियो में देखा तो हमने 5-7 नहीं लिया, रेशियो में है 5-7, तो एक कॉन्स्टेंट एक्स एज्यूम कर लिया. ये एक्स क्या है? कॉन्स्टेंट वैल्यू 5x 7x. हाँ, ऐसा बोल सकते हो कि पी के वैल्यू क्या है तो माइनस 2x, ऐसा कुछ भी एज्यूम कर सकते हो. क्यू की वैल्यू क्या है? 3x. फिर x कॉन्स्टेंट वैल्यू मिलेगी और फिर उससे आप कैलकुलेट कर पाओगे. बट फिलहाल हमें वो वैल्यू नहीं चाहिए, हमें p की एग्जैक्टली वैल्यू नहीं चाहिए. हमें क्या चाहिए? क्या p by q मतलब ये है तो इसकी वैल्यू चाहिए, हमें p की वैल्यू नहीं चाहिए. एक काम करते हैं, छोटा थोड़ा शॉर्टकट एक ट्रिक क्या करते हैं, p को माइनस 2 रख दीजिए और q को 3 कर दीजिए. अभी वैसे होगा नहीं, मतलब आप ऐसा बोल नहीं सकते कि p is equals to negative, q equals to 3. रेशियो है 2:3, 2:3 बराबर. इसका मतलब p जो भी है वो 2 के प्रोपोर्शन में है, q जो भी है वो 3 के प्रोपोर्शन में बस. बट फिर भी हम वो प्रोपोर्शन को क्वांटिटी मान लेते हैं सॉल्व करने के लिए. ठीक है, तो यहां पे सॉल्व करेंगे. कैसे, क्या सॉल्व करना है? 2p प्लस q, 2p माइनस q. तो यहां पे सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा? 2 माइनस 2 प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 माइनस 3, ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है. बट अगेन अगेन वन मोर थिंग, जब आपको यहां पे एक्स की वैल्यू चाहिए तो आप ऐसा करोगे. अभी यहां इससे क्या होगा, इससे आपको अगेन प्रोपोर्शन मिलेगा, इससे आपको क्या मिलेगा, अगेन प्रोपोर्शन. तो ऐसे भी सॉल्व नहीं हो सकता. इससे आपको क्या मिलेगा? प्रोपोर्शन मिलेगा माइनस टू. चलिए ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं, शायद मिल जाए. माइनस 4 प्लस 3 माइनस 7. अभी यहां पे क्या होगा? माइनस 1 बाई माइनस 7, माइनस माइनस कैंसल, 1/7 मिल जाएगा. ऐसे भी मिल जाएगा. माइनस 1/7 मत करना, यहां पे जब बीच में माइनस लिखा होता है इसका मतलब जो न्यूमरेटर उसका माइनस साइन है. अगर मैं यहां पे माइनस लिखता हूं, माइनस 4 प्लस 3 मतलब माइनस 1, ये प्लस प्लस क्यों किया? अरे प्लस प्लस नहीं किया. हाँ, किसी को लगा प्लस प्लस क्यों किया? ये 1/7 है. ओके, ये माइनस माइनस हमने कैंसिल किया. तो ये थोड़ा शॉर्टकट अपनाया मैंने सॉल्व करने के लिए. ओके, 1/7. वैसे आप डिफरेंट वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं. हाँ, अगर आपको वैल्यू बोलनी ही है, आप क्या बोल सकते हो पता है? मतलब ऐसे हम यूज नहीं कर सकते बट शॉर्टकट के लिए यूज किया है, और ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है. बट आप ऐसे भी कर सकते हो, नेगेटिव 2/3. तो अभी p की वैल्यू फाइंड कर ले, नेगेटिव 2q/3. हाँ, अभी ये ऐसा आप लिख सकते हो क्योंकि p की वैल्यू क्या है? नेगेटिव 2/3q. p की वैल्यू उस इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो भी सॉल्व हो जाएगा. करना है ऐसा सॉल्व.
ऐसे सोल्व करना है, करते हैं नहीं, 1/7 मैच तो करना ही है। कौन सा क्वेश्चन था, यही था ना, चलिए अभी हमें क्या करना है, वी नीड टू फाइंड 2p प्लस q होल डिवाइडेड बाई 2p माइनस q, इसकी वैल्यू चाहिए। ओके, तो यहां पे 2p की जगह पे क्या रखेंगे, नेगेटिव 2q डिवाइडेड बाई 3, ये q है, प्लस q, 2 नेगेटिव 2q बाई 3 माइनस q। ओके चलिए इतना क्लियर है, अभी सिंप्लीफाई करें, नेगेटिव 4q डिवाइडेड बाई 3 प्लस q होल डिवाइडेड बाई नेगेटिव 4q डिवाइडेड बाई 3 माइनस q। अभी यहां पे एलसीएम लेना होगा आपको, वही होगा 3 3 कैंसिल, ऐसे भी हो सकता है, तो यहां पे क्या होगा, थ्री थ्री वैसे हमने ना, थ्री थ्री कैंसिल नहीं होगा, सॉरी, थ्री थ्री कैंसिल कब होता पता है, ऐसा लिखा होता ना, तो कैंसिल होता, इन दोनों में डिफरेंस है। हाँ यहां पे जो थ्री है वो सिर्फ एक में ही है, तो पहले हमें एलसीएम लेना होगा फिर कट होगा। अब यहां पे देखिए डिवाइडेड बाय 3, यहां पे डिवाइडेड पे कुछ नहीं है, तो पहले यहां पे एलसीएम लेंगे, नेगेटिव 4q प्लस 3q डिवाइडेड बाय 3 द होल डिवाइडेड बाय नेगेटिव 4q नेगेटिव 3q द होल डिवाइडेड बाय 3। अब 3 3 कट होगा। ओके ये कैसे समझा, उल्टा जाके रिवर्स हो जाएगा ना, मतलब क्या होगा, नेगेटिव 4q प्लस 3q डिवाइडेड बाई 3 एज इट इज इन टू 3 डिवाइडेड बाई नेगेटिव 4q माइनस 4 3q एस है। और वहां पे क्या होगा, जब तक ये प्लस में है तब तक ये मल्टीप्लीकेशन हो ही नहीं सकता, अभी बीच में प्लस आ रहा है, पूरा मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकते ना, ब्रैकेट ब्रैकेट आप जैसे कर पाओगे, मतलब द होल डिवाइडेड बाय 3 कैसे होगा, अगर आपने यहां पे एलसीएम लिया है 3 में तभी तो राइट। तो यहां पे आंसर क्या आएगा, क्यू 7q, यहां पे क्या है माइनस क्यू बाय 7q, क्यू क्यू कैंसल, नेगेटिव नेगेटिव कैंसल, 1/7 इज द आंसर। तो अगर आप डिटेल में सॉल्व करने जाओगे तो इसलिए मैंने क्या किया, शॉर्टकट किया। ओके हमारे पास एग्जाम में टाइम नहीं होगा कि हम इतना डिटेल में जाके सॉल्व करें, डिटेल में भी मेरे पास सारे आंसर हो जाएंगे, डोंट वरी, बट क्या है टाइम पास नहीं करना है अभी, क्लियर है। चलिए फोर्थ प्रोपोर्शनल ए बी सी डी, A डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई डी, एज इट ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ चाहिए, तो ओके पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी, तो क्या होगा डी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, डी इज इक्वल टू 2x x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x, x x कैंसल, डी इक्वल टू 2x प्लस 2, 2x प्लस 2 है आंसर सी। क्लियर है, ओके व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 49:60 सो इट बिकम्स 3:4।
एडेड एडेड ओके अभी कितना ऐड करना है 49:68 में को एक एक्स ऐड करना है तो 3/4 हो जाएगा सिंपल रिवर्स टिक करो ना बेटर है ए ए में क्या होगा 52/71 इज इट 3/4 नो इज इट 3/4 नो चेक कर लेना मतलब 3/4 कितना आता है 0.75 होता है 3/4 0.75 होता है यहां पे 0.75 हो रहा है नहीं हो रहा है इग्नोर बी 49+5/68+5 मतलब कि 54/73 नहीं होगा नहीं होगा ये भी नहीं होगा सी 49+8/68+8 57/76 चेक कीजिए 3/4 19 3s are 19 4s are हो गया 19 3s are 19 4s are हो गया सी इज द आंसर अभी आप बोलो मुझे सीधा ही एक्स चाहिए अभी आप बोलो सीधा ही मुझे एक्स चाहिए ठीक है तो ये जो है इससे आप सॉल्व कर लीजिए क्रॉस वेरीफाई अभी यहां पे x की वैल्यू आएगी ना वही यहां पे x की वैल्यू ही 8 आएगी ऑब्वियसली ऐसे ये बार बार पूछ रहे हैं अलग अलग तरीके से स्टूडेंट ऑफ टू क्लासेस आर इन द रेशियो 5x 7x इफ 10 स्टूडेंट लेफ्ट फ्रॉम ईच क्लास दोनों में से 10 निकल गए ओके तो रिमेनिंग स्टूडेंट का रेशियो है 4:6 तो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में कितने थे 5x 7x हाँ सिंप्लीफाई कीजिए या फिर या तो आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं या फिर हमारे पास तो रिवर्स ट्रिक है ही कैसे कैसे ये 30 था ये 40 था इसमें 10 गए इसमें 10 गए 20:30 रेशियो हुआ 2/3 कितना होना चाहिए 4/6 ये हो गया कि नहीं हुआ सॉरी कोई फर्क पड़ता है क्या तो फिर रिमेनिंग स्टूडेंट आर इन द रेशियो ऑफ 4:6 चलिए चेक करते हैं चार ऑप्शन चेक कर लेते हैं यहां पे 4:6 बोला ही है तो 4:6 ही होना चाहिए ओके बी 25-10 24-10 15/14 ये तो नहीं होगा सी 40-10 60-10 30/50 ये भी नहीं होगा डी 50-10 70-10 40/60 4/6 ये सीधा हो जाएगा डी इज द आंसर वैसे तो 30:40 में वो 2/3 रेशियो मैच हो रहा था बट वो आंसर नहीं था करेक्ट इसके लिए आप क्या करो डायरेक्ट सोल्व कर लो इसे सोल्व करो क्रॉस वेरीफाई करके एक्स की वैल्यू आपको 10 मिलेगी ऐसा ही क्वेश्चन में आगे किया था जिसमें एक्स की वैल्यू 100 मिल रही थी 500-700 तो इसमें एक्स की वैल्यू आपको 10 मिलेगी 50-70 करेक्ट आंसर 50-70 ओके क्लियर है चलिए नेक्स्ट ए डिवाइडेड बाय बी इज 2/5 तो व्हाट इज दिस अभी देखिए पहले भी बोला था कि आप यहां पे ऐसा बता सकते हैं ये 2x 5x है सिंपली चलिए करिए तो 10 अब यहां पे 2 कंसीडर कर ले या फिर 2x कंसीडर कर ले चलिए तो भी चलेगा 2x कंसीडर कर ले तो भी चलेगा प्लस 3 5x इज 2 5 2x प्लस 2 5x अब इसका रेशियो 20x प्लस 15x मतलब 35x
इज टू, 10x प्लस 10x मतलब 20x, मतलब रेशियो हुआ 35/20। सिंप्लीफाई पॉसिबल जे, सिंप्लीफाई पॉसिबल है, यस। 5 7 5 4 7 is to 4। अभी आप बोलो x नहीं, x नहीं रखना है, a की वैल्यू 2 रख दीजिए, b की वैल्यू 5 रख दीजिए, चलेगा 30/20 आ जाएगा, गलत नहीं है वैसे, जब तक वो रेशियो है ना तब तक गलत नहीं। अगर आपको पूछे अमाउंट क्या है तो ऐसा नहीं हो सकता, तो आपको x लेना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इन ए फील्ड शूटिंग ए बी रिसीव मनी इन सर्टेन रेशियो, बी एंड सी ऑल्सो रिसीव मनी इन सर्टेन सेम रेशियो, ओके, ए बी जो रेशियो है वही रेशियो बी बाई सी का है, हाँ 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 हाँ, इफ ए गेट्स 160, ओके, सी गेट्स 250, यहां पे ये मीन प्रोपोर्शन, सीधा बोलो ना मीन प्रोपोर्शन क्या है, ओके, बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए सी, इजेंट इट, तो ये बी का 160 इंटू 250, चलिए कीजिए, बी अंडर रूट किया, मल्टीप्लाई प्लस नहीं करना है, मल्टीप्लीकेशन में क्यों प्लस करते हो, अरे सिंपल है, 160 का अंडर रूट करो 4000, 25000 का अंडर रूट करो 5000, 4000, 5000 इनटू 20, सो 2 लाख, सीधा ही आंसर आ जाएगा, हुआ हुआ कैलसी में, ओके, 160 इंटू 250 आ ही नहीं रहा केलसी पे, ऐसा कुछ है तो उसका अंडर आउट करो तो नहीं होगा, होगा हाँ हो गया ना, हाँ तो सीधा अंडर आउट कर देना, वो शो नहीं करेगा, केलसी की लिमिट होती है ना 10 digit 12 digit, शो नहीं करेगा, और ऐसा भी नहीं करना है तो एक काम कीजिए, यहां पे क्या करना है, अंडर रूट 160 इंटू अंडर रूट, ऐसे बड़े बड़े फिगर में सेपरेट सेपरेट कर दीजिए, ओके, 160 का अंडर रूट 400, इसका 250 का अंडर रूट, हाँ तो 20, वो 0000, हाँ हो गया, 400-500 ही होगा, 2 लाख हो गया, क्लियर, ए आंसर आया, चलिए हाँ ये बढ़िया है, एमटीपी मार्च 22 में रेशियो कंपाउंडेड ऑफ, और ये एमटीपी में निकाल निकाल के लाते हैं, वो पास जो 6 7 8 9 10 के क्वेश्चन है वो पूछते हैं आपको, एमटीपी में कहां से लेके आए, मतलब यहीं से लेते हैं, और जो भी नए नए लेके आए क्वेश्चन वो भी हमने कवर अप कर लिया है, ओके, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:5 एंड सब डुप्लीकेट रेशियो, अभी देखिए पहले तो कंपाउंड रेशियो मतलब क्या, जो भी रेशियो है अगर मैं बोलता हूं ए बी सी डी इसका कंपाउंड, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन, न्यूमरेटर न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन, डिनोमेटर डिनोमेटर का मल्टीप्लीकेशन, दो रेशियो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, जो भी हो, ओके, इतना पता है हमें, यस। अभी क्या होगा, 4/5 कंपाउंड हो रहा है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है किससे किससे, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 8:9, सब डुप्लीकेट मतलब इसका अंडर रूट करना है, इसका भी अंडर रूट करना है, और इसको आपने मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर, उसका कंपाउंड रेशियो होता है, कंपाउंड रेशियो होता है 8/15, इसका कंपाउंड रेशियो क्या होता है 8/15, तो हमें ए की वैल्यू चाहिए, मिल जाएगी मिल जाएगी मिल जाएगी, समझा, समझ में आया कि नहीं, ओके चलिए, तो अभी क्या करते हैं, हमें ए को सेपरेट रखना है, नो प्रॉब्लम, ए को सेपरेट रखते हैं,
अंडर रूट ए इज इक्वल्स टू 8 इंटू 5 इंटू अंडर रूट 9 इक्वल टू ऐसा होगा ना 15 इंटू 4 4 टू जा 5 3 जा और 9 का अंडर रूट क्या होता है अरे 9 को अंडर रूट में क्यों रखा है ये 3 हो गया ना अंडर रूट ए ये 3 हो गया यहां पे हमने क्या किया था 2 इंटू 3 बाई 3 3 3 कैंसल तो 2 अंडर रूट ए मतलब 2 हमें क्या चाहिए ए दोनों साइड स्क्वायर स्क्वायर ले लो स्क्वायर स्क्वायर ओके तो ए की वैल्यू क्या हो गई 4 ये क्वेश्चन को देखें ओके ये थोड़ा आपको रिसर्च करके आना है नेक्स्ट लेक्चर के लिए 24 आंसर आ रहा है 1/9 कैसे वो आपको देख के आना है बट हाउ यू विल सॉल्व दिस 25 6 ओके आपको क्या करके आना है बताता हूं मैं आपको होमवर्क में 24 से लेके 30 सॉल्व करके आना है डोंट वरी अगर आपको नहीं आता है 24 में पूरा डिटेल में सॉल्व कराऊंगा बट थोड़े क्वेश्चन में आपके रखा हूं ट्राई कीजिए फिर वापस आके हम नेक्स्ट लेक्चर में ये इन डिटेल सॉल्व करने वाले हैं डोंट वरी ओके तो 24 से 30 होमवर्क में है नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे पहले ये 24 से लेके 30 जो भी है वो डिटेल में सॉल्व भी करेंगे और जहां पे भी आपको डाउट है वो सॉल्व करेंगे उसके बाद 31 से आगे चलेंगे ओके okay.